अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन है और आज हम बात करेंगे ओप्पो रेनो 4Z फ़ोन के बारे में। गेयर स्मार्टफोन आपको थाईलैंड में बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको उसकी मुकम्मल और तमाम स्पेसिफिकेशन बताने जा रहा हूँ कि अगर स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट में आएगा तो उसकी प्राइस क्या रखी जाएगी, गेयर स्मार्टफोन एक अच्छा स्मार्टफोन है या फिर नहीं। अगर आपने सारा कुछ जानना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच करें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल से बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इन फ्यूचर मेरी आने वाली वीडियोज़ अपडेट्स पर आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, आज इसके मार्केट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमेशा की तरह बात को स्टार्ट करिए स्मार्टफोन को ऑपरेटिंग सिस्टम से। इस पर आपको एंड्रॉइड 10 को ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है, कलर 7.1 देखने को मिलता है। यहीं पर अगर बात करें स्मार्टफोन की सीपीयू प्रोसेसर की, 2.0 GHz का ऑक्टा कोर सीपीयू देखने को मिलता है आपको स्मार्टफोन के अंदर। साथ ही इसमें आपको A76 के कोर्स भी देखने को मिलते हैं। अगर तो बात कर लीजिए स्मार्टफोन के चिपसेट की, वो लगा दिया गया है 5G चिपसेट स्मार्टफोन के अंदर। इस पर आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 800 वाला चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि 7nm टेक्नोलॉजी पर बेस करता है और ये स्मार्टफोन एक 5G स्मार्टफोन होने वाला है। तो गाइज, यहीं पर अगर मैं बात करूँ स्मार्टफोन के डिस्प्ले की, 6.57 इंच का एक LTPS वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है। 1080 पिक्सल रेजोल्यूशन भी देखने को मिलने वाली है आपको स्मार्टफोन के अंदर। डिस्प्ले भी स्मार्टफोन में कमाल होने वाला है, इसमें आपको 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है और साथ ही स्मार्टफोन आपको 5G के साथ पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिलेगा। और एक बात मैं आपको क्लियर करता चलूँ आगे वीडियो में बढ़ने से पहले, कि ये स्मार्टफोन की जितनी भी स्पेसिफिकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ अभी लीक्स के थ्रू है। जब कंफर्म होंगी तो उसकी वीडियो आ जाएगी मेरे चैनल के ऊपर। तो मेक श्योर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस कर लो। दोस्तों अगर तो बात कर लीजिए स्मार्टफोन की मेमोरी की, तो दोस्तों दो वेरिएंट लॉन्च होंगे पाकिस्तानी मार्केट में। 64GB बिल्ट इन 6GB रैम वाला और जो दूसरा होगा 128GB बिल्ट इन 8GB रैम वाला। UFS 2.1 की स्टोरेज टाइप भी देखने को मिलने वाली है आपको स्मार्टफोन के अंदर। अगर तो बात कर लीजिए स्मार्टफोन की मेन स्पेसिफिकेशन, एज ऑलवेज कैमरा, तो दोस्तों पीछे आपको क्वाड कोर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, मतलब कि पीछे आपको 4 कैमरे देखने को मिलेंगे। सेम टू सेम आपको Nova 7i जैसी लुक देखने को मिल रही है। 48MP का एक वाइड एंगल लेंस है बैक साइड पे, और जो दूसरा कैमरा है 8MP का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर है, और जो थर्ड कैमरा है दोस्तों वो है 2MP का डेप्थ सेंसर, और जो लास्ट 4 कैमरा है दोस्तों वो है 2MP का मैक्रो लेंस। बैक कैमरे से आप 4K की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और फ्रंट कैमरे से दोस्तों आप 1080p/30fps की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रंट पे दोस्तों आपको डुअल पंच होल देखने को मिलेगा लेफ्ट साइड के ऊपर, उसमें 16MP का एक वाइड एंगल लेंस है और जो दूसरा है 2MP का डेप्थ सेंसर। अगर तो बात कर लीजिए स्मार्टफोन की फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो आपको साइड पावर बटन के नीचे फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। 4000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है 18W की फास्ट चार्जिंग के साथ। और अगर तो बात कर लीजिए स्मार्टफोन की प्राइसिंग पाकिस्तानी मार्केट, तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि स्मार्टफोन में 70,000 तक मिल सकता है पाकिस्तानी मार्केट में। अभी स्मार्टफोन की लॉन्च डेट कंफर्म नहीं है, तो जब कंफर्म होगी तो उसकी वीडियो आ जाएगी मेरे चैनल के ऊपर। तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर लाजमी तौर पर सेट कीजिएगा, आप हमारी फैमिली के साथ जुड़ जाएंगे। 1K जल्दी से सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में ये देखना। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।